आज हम सीखेंगे कि इंडियन ट्रेडबर्ड पे प्रोडक्ट कैसे ऐड कर सकते हैं। ये करने का तरीका बहुत ही आसान है। अगर आपने इंडियन ट्रेडबर्ड पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर दिया है तो आपकी मेल आईडी पे उसकी रजिस्टर्ड आईडी और पासवर्ड दोनों आ जाएंगे। उसके बाद आपको सिर्फ यहाँ पे साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक मेन्यू बार दिखेगा जिसमें है डैशबोर्ड, लीड्स और एप्स। उसमें जाने के बाद आपको एप्स में ई कॉमर्स सिलेक्ट करना है, उसके बाद कैटलॉग सिलेक्ट करना है और फिर ऐड प्रोडक्ट। साइन इन करने के बाद आपको यहाँ पे आपकी कंपनी का नेम यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद है कैटेगरीज। कैटेगरीज में आपकी कंपनी का प्रोडक्ट जिस भी कैटेगरी के अंडर आता है वो कैटेगरी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। अगर वो कैटेगरी यहाँ पे आपको शो नहीं हो रही तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो अनलिस्टेड। अनलिस्टेड सिलेक्ट करने के बाद जो हमारी बैकएंड टीम है वो आपकी प्रोडक्ट जिस भी कैटेगरी के अंडर आती है वो कैटेगरी में मैप कर देगी। उसके बाद है यहाँ पे प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम में आपकी प्रोडक्ट के नेम यहाँ पे ऐड करना है। इसमें कोई भी स्पेशल कैरेक्टर और मॉडल नंबर ऐड नहीं करना है। देन उसके बाद है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे प्रोडक्ट के बेनिफिट्स, फीचर्स वो यहाँ पे ऐड करना है, जो भी आप इंडियन ट्रेडबर्ड की वेबसाइट पे दिखाना चाहते हो प्रोडक्ट के अंदर। उसके बाद है फुल डिस्क्रिप्शन। फुल डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोडक्ट की और स्पेसिफिकेशन ऐड करनी है। देन प्राइसिंग। प्राइसिंग में करंट प्राइस, जो आपकी प्रोडक्ट की करंट प्राइसिंग है विद जीएसटी, वो आपको यहाँ पे ऐड करनी है। उसके बाद है जीएसटी स्लैब। आपकी प्रोडक्ट जिस भी जीएसटी स्लैब में एप्लीकेबल है वो आपको जीएसटी स्लैब यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद है स्टॉक एंड एक्स्ट्रा टैग। स्टॉक एंड एक्स्ट्रा टैग में आपको यहाँ पे स्टॉक में ऐड करना है 10 और फिर मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी आपके बिजनेस जिस भी क्वांटिटी में डील करते हो, लेकिन यहाँ पे मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी आपको यहाँ पे 1 ऐड करनी है। उसके बाद है यूनिट। यूनिट में आपके बिजनेस के प्रोडक्ट जिस भी यूनिट पे आप डील करते हो, जैसे कि स्क्वायर, स्क्वायर मीटर, पीस, वो आपको यहाँ पे ऐड करना है। और उसके बाद है टैग लाइन, यू कैन कीप इट ब्लैंक। उसके बाद है प्रोडक्ट वीडियो लिंक। आप यहाँ पे सीधी वीडियो लिंक पेस्ट नहीं कर सकते, उसके लिए एक है एम्बेडेड कोड जो हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, आप उसको चेकआउट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में, फुटर में। उसके बाद है इंडेक्स। इंडेक्स में जाने के बाद आप अगर आपकी प्रोडक्ट आप गूगल पे शो करवाना चाहते हो तो यहाँ पे इंडेक्स सिलेक्ट कर सकते हो, और अगर आप नहीं करवाना चाहते तो आप यहाँ पे नो इंडेक्स सिलेक्ट कर सकते हो। देन सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू टू एडिट के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद है एडवांस। एडवांस में जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा मेटा टैग टाइटल, मेटा टैग डिस्क्रिप्शन, वो जो हमारी एसईओ टूल टिप है वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। उसके बाद है मीडिया। मीडिया में जाने के बाद आपको यहाँ पे आपकी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की इमेज यहाँ पे आपको ऐड करनी है। उसके बाद वो प्रोडक्ट का नेम भी ऐड यहाँ पे करना है। देन सेव इमेज। और सेव इमेज के बाद आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड एक बटन शो होगा जो पब्लिश्ड करके, वो आपको यहाँ पे ऑन करना है। ये आप अगर ऑन करेंगे तभी आपकी प्रोडक्ट की जो URL है वो वहाँ पे ITB पे अप्रूव होगी, और उसके बाद ही आपका प्रोडक्ट वहाँ पे लिस्ट होगा, ऐसे ही आपका प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा। और ऐसी ही जानकारी के लिए इंडियन ट्रेडबर्ड को फॉलो करें।